हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेके आए हैं हमारी लॉ सिंप्लीफाइड सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बड़े ही कॉमन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको लेके आमतौर पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच का फर्क। अगर आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इनका ऐसा मानना होगा कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है जो कि पुलिस करता है और ट्रायल का काम है कोर्ट्स का यानी कि न्यायालय का, तो आपका सोचना भी गलत है, क्योंकि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, और इनमें से कोई एक चीज है जो कि पुलिस करती है, बाकी दोनों काम कोर्ट्स के हैं। और यहीं पे बच्चा सबसे पहले कंफ्यूज हो जाता है, और चूंकि ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बड़े ही बेसिक मैटर है, यानी कि यहीं से चीजें बढ़ के आगे एक ट्रायल की तरफ जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बड़े ही आसानी से हम इन तीनों के डिफरेंस को समझेंगे और अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो आज हम डील करने वाले हैं इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच के फर्क को समझने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि असल में किसी भी क्राइम के होने से लेके उसके जजमेंट आने तक का प्रोसेस क्या है, यानी कि टाइमलाइन क्या है, किसके बाद क्या होता है, तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले होता है कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि सबसे पहले कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है। जब वो ऑफेंस हो जाता है तो उसके बाद पुलिस नोट करती है एफआईआर। एफआईआर करने के बाद पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन, जो कि यहां पर लिखा हुआ है एक अलग कलर से, ताकि आपको पता चल जाए कि आज जो पहला टॉपिक हम डील करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस क्या करती है, अपनी जो रिपोर्ट है, यहां पे एक हम चीज लिख देते हैं रिपोर्ट, वो जमा करती है जाके कोर्ट को। कोर्ट को जब उसने जाके रिपोर्ट जमा करी तो वो कोर्ट करेगी उसका इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी किसके द्वारा किया जाएगा उसके बाद, कोर्ट के द्वारा। और कोर्ट जब इंक्वायरी कर लेगी तो वो बनाएगी चार्जेस, यानी कि वो चार्जेस, ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी, इसका मतलब ये होता है कि पुलिस ने अपनी इंक्वायरी के बाद उनको लगा कि जो जो चार्जेस लगने चाहिए वो चार्जेस लगा के कोर्ट को दिया। कोर्ट ने अपनी इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट ने ये बात तय करी कि ये चार्जेस पे केस चलना चाहिए, तो वो नए चार्जेस को ऐड करके या कुछ चार्जेस को हटा के अपना एक खुद का चार्ज फ्रेम करेगी और उसके बाद ट्रायल को शुरू करेगी। और ट्रायल के बाद क्या आता है, ट्रायल के बाद सर या तो जजमेंट आता है, जजमेंट में या तो एक्विटल होता है या तो कन्विक्शन होता है। एक अगर एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी का मर्डर हुआ है, तो सबसे पहले यहां पे मर्डर हुआ, इस जगह पे पुलिस आके उसकी एफआईआर लिखेगी, उसके बाद पुलिस खुद से जाके उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद वो ये इसकी रिपोर्ट को सबमिट करेगी किसी कोर्ट में, जो कि कोर्ट करने वाली है इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद कोर्ट बनाएगी चार्जशीट यानी कि चार्जेस को फ्रेम करेगी, और उसके बाद शुरू होगा ट्रायल यानी कि कोर्ट अपना कार्रवाई को शुरू करेगा। और हमें आज जिन तीन टॉपिक के बारे में बात करनी है वो कौन से टॉपिक हैं, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद इंक्वायरी जो कि यहां लिखा है, और उसके बाद ट्रायल जो कि यहां लिखा है। तो अपने इस डिस्कशन को हम जल्दी से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों के बीच का फर्क क्या है। सबसे पहले स्क्रैच से समझना है तो पहले तीनों के बीच का एक बेसिक मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन, क्राइम एक्सेट्रा। गूगल पे जाइए, आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन का मतलब और कुछ भी नहीं है, वो एक शुरुआत में किया जाने वाला ऑफिशियल एग्जामिनेशन है, जो कि कोई ऑफिशियल अथॉरिटी करती है किस चीज का, अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसका एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि इसमें क्या चीज हुई क्या चीज नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ जाती है तो एक जनरल आइडिया के बाद आप पुलिस क्या करेगी, पुलिस को सारे एविडेंसेस को रिकॉर्ड करना है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनाना है कि क्राइम कहां से शुरू हुआ था और कैसे वो कमिट हुआ, और उसके बीच में जो जो हैपनिंग्स थी वो सब उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में होनी चाहिए। ये पूरा प्रोसेस पुलिस क्यों करती है, सिर्फ इसलिए करती है ताकि जब वो कोर्ट को ये फाइल सपोर्ट के लिए दे, यानी कि कोर्ट को जब ये सबमिट करे फाइल अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो कोर्ट को आसानी हो न्याय देने में, यानी कि अल्टीमेटली जो जजमेंट दिया जाना है उसमें आसानी हो इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की वजह से। ठीक है सर, इन्वेस्टिगेशन का मतलब हमें पता है, अब बारी आती है इंक्वायरी की। अब यहीं पे आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना यह होता है कि इंक्वायरी और कुछ भी नहीं, पुलिस के द्वारा किया जाने वाला कोई प्रोसेस है। अब यहां पे आप पार्शियली सही हैं, यानी कि आप 1/3 सही हैं अगर मैं एक्चुअल में कहूं तो, क्योंकि सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि क्राइम किए जाने के बाद किसी भी प्रोसीजर जो कि फॉलो किया जाता है वो सीआरपीसी के बेस पे ही किया जाता है। सीआरपीसी ये कहता है कि इंक्वायरी कौन करेगा, इंक्वायरी हमेशा करेगी कोई कोर्ट, कभी भी कोई पुलिस वाला इंक्वायरी नहीं करता है। ऑल्दो ये मैंने 1/3 सही क्यों कहा, क्योंकि एक केस हुआ था ललिता कुमारी का, जिसमें बोला गया था कि पुलिस भी प्रेलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, जिसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें यह पता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा करी गई, इंक्वायरी करती है कौन, कोर्ट, यानी कि न्यायालय ने इंक्वायरी किया कि जब पहली बार न्यायालय के संज्ञान में मैटर आया तो उसने सबसे पहले इंक्वायरी करनी है यह पता करने के लिए कि यह मैटर मेरे कोर्ट में लगेगा भी कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन सही से हुई भी है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन जिसकी हुई और जिस आदमी को ये लोग पकड़ के लाए हैं ये दोनों सेम इंसान है कि नहीं। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन हुई हो रमेश दुबे की और लेके आए हो सुरेश दुबे को, तो ये सब इंक्वायरी में देख लेने के बाद और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सही से चेक कर लेने के बाद और प्रोसिक्यूशन की साइड को और दोनों साइड को एक एक बार थोड़ा थोड़ा सुन लेने के बाद
कोर्ट का ये काम होता है कि वो चार्जेस को फ्रेम करे, यानी कि अब वो चार्जेस लगाएगी कि अगर मर्डर हुआ है तो 302 लगेगा, 300 लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड है तो 299 लगेगा। ये वाले जो चार्जेस उसके ऊपर फ्रेम करने हैं जो कि सीआरपीसी में दिया हुआ है, चार्जेस को फ्रेम कर लेने के बाद कोर्ट शुरू करती है ट्रायल। और ट्रायल यहां पे क्या दिया हुआ है, ट्रायल इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट विद अ व्यू टू फाइंड आउट द मेरिट ऑफ द केस। मेरिट ऑफ द केस का मतलब कुछ भी नहीं, जजमेंट से समझ लीजिए। कोर्ट को जजमेंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को जजमेंट देने के लिए ट्रायल को शुरू करना पड़ेगा। तो आपको अभी से अगर एक बात क्लियर रखनी है तो एक ध्यान रखिएगा, इंक्वायरी जो होती है ना वो फर्क होता है ट्रायल का, यानी कि अगर इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है तभी ट्रायल शुरू हो पाएगा। और इंक्वायरी कब होती है, चार्ज बनने से पहले, यानी कि चार्ज अगर मैं यहां पे लिख दूं, एक यहां लाइन ड्रॉ करके मैं चार्ज लिख दूं, तो इसका मतलब यह है कि चार्ज से पहले होगी इंक्वायरी और चार्ज के बाद होगा ट्रायल। अभी हमें समझने के लिए इतना काफी होगा, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम दो पार्ट्स में इसके डिफरेंसेस को समझेंगे तो हमारे लिए समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पहला क्या है, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। सबसे पहले इंक्वायरी और ट्रायल के बीच के फर्क को समझते हैं, उसके बाद इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के फर्क को समझेंगे। तो भाई प्रोविजन पहले देख लेते हैं, सेक्शन 2G में डिफाइंड है क्या हमारी इंक्वायरी, अब जो ट्रायल है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। ऑल्दो हमें ये बात हमेशा से पता है कि चार किस्म के ट्रायल होते हैं, सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, ठीक है, हमारा वो भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। डेफिनेशन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इस डेफिनेशन ने हमें कुछ भी नहीं बताया। ये डेफिनेशन केवल इतना कह रही है कि इंक्वायरी वो सब काम है जो एक कोर्ट कर रही है जो कि एक ट्रायल नहीं है, यानी कि इंक्वायरी ने केवल क्या बोला, अदर देन अ ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया गया सारा काम जो है वो एक इंक्वायरी के अंडर में आएगा। ठीक है, थोड़ा बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ट्रायल मे बी सेट टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विच एंड्स इधर इन कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड। अब यहां पे पॉइंट क्लियर हो गया, इंक्वायरी का एंड क्या है, इंक्वायरी जब खत्म होती है तो चार्जेस बनते हैं, लेकिन ट्रायल जब खत्म होता है तो क्या होता है, या तो कन्विक्शन होता है या तो एक्विटल होता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है इंक्वायरी और ट्रायल का। अगर टाइमलाइन के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद जब इंक्वायरी होती है तो यह तय किया जाता है कि इस कोर्ट में मामला चलेगा कि नहीं, और उसके बाद आती है ट्रायल, और ट्रायल के दो ही आउटकम है, या तो एक्विटल या तो कन्विक्शन। ऑल्दो इंक्वायरी के बाद एक प्रोसेस यहां पे होता है चार्ज बनाने का, और इंक्वायरी वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है सर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट विद अ व्यू टू फाइंड आउट प्राइमा फेसाई केस। ये बात थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर रहा है कि इंक्वायरी किसके द्वारा किया जा रहा है, एक मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा, जो क्या जो किस लिए काम कर रहे हैं, जो इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं ताकि प्राइमा फेसाई यानी कि पहली नजर में केस के बारे में अपना ओपिनियन बिल्ड कर सकें। उसके अलावा हमारे पास दूसरे हाथ में क्या है, ट्रायल इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट विद व्यू टू फाइंड आउट मेरिट ऑफ द केस। ये क्यों कर रहा है कोर्ट, ये कोर्ट इसलिए कर रहा है ताकि वो कोर्ट के उस मैटर को, यानी कि जो कोर्ट में वो मैटर लगा है, उसके जजमेंट पे आ सके, आखिरी में अपना फैसला सुना सके, इसलिए वो ट्रायल को आगे बढ़ा रहे हैं। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये हमें पता है, चार्ज बनने से पहले जो हो रहा है वो इंक्वायरी है, चार्ज बनने के बाद जो हो रहा है वो क्या है, ट्रायल है। ट्रायल इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। उसके बाद क्या लिखा है, ट्रायल इंक्लूड्स ऑल स्टेप्स व्हिच अ क्रिमिनल कोर्ट अडॉप्ट सब्सिक्वेंट टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड अंटिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। इंक्वायरी का कोई प्रोसेस नहीं है, इंक्वायरी एक कोर्ट में एक प्रोसेस है जिसमें इंक्वायरी उनको जो करनी है करी, लेकिन ट्रायल का एक फिक्स प्रोसीजर है, यानी कि वो पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, फिर वो सुनेगा डिफेंस की साइड को, फिर वो पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस लेगा, फिर वो डिफेंस के विटनेस लेगा, उसके बीच वो कभी डिस्चार्ज भी कर सकता है, उसके साथ ही साथ क्रॉस एग्जामिनेशन है, और आखिरी में एक्विटल या कन्विक्शन का ऑर्डर है। ऑल्दो हमारा जो इंक्वायरी है इसमें ऐसा किसी भी प्रकार का प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच के फर्क को। यहां हमारे पास एक अच्छी चीज क्या है, इंक्वायरी की डेफिनेशन जो हम पहले देख चुके हैं सेक्शन 2G में हमें दी हुई है, 2H में इन्वेस्टिगेशन की भी डेफिनेशन दी हुई है। इसका मतलब डेफिनेशन के तौर पर तो हमें एक फर्क बनाने के लिए आसानी होगी। ठीक है, अब 2G की डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय दिस कोर्ट। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच का फर्क इस डेफिनेशन से फिर से नहीं बन सकता, तो हटा देते हैं। सेक्शन 2H क्या कहता है, इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर द कोर्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट ऑन दिस बिहाफ। ये कह रहा है इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है जो कि एक पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन, जो कि मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, बस मजिस्ट्रेट को छोड़ के कोई भी और इंसान और पुलिस ऑफिसर जो काम कर रहे हैं, किस लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टिगेशन किस लिए होती है, एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, यानी एविडेंस को इकट्ठा करने के पर्पस से जो भी काम एक पुलिस ऑफिसर या कोई और इंसान कर रहा है, दूसरे इंसान को मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज होना पड़ेगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये इंक्वायरी कौन कर रहा है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ा फर्क है, आपको पता होना चाहिए। और पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन जो है वो इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है,
इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट विद अ व्यू टू फाइंड आउट प्राइमा फेसी केस, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शुरुआती तौर पे केस का क्या अंडरस्टैंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद इसलिए इंक्वायरी करी जाती है, और इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि जल्दी से जल्दी सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके जज साहब तक बात पहुंचाई जा सके। और नेचर ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है और इन्वेस्टिगेशन एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, क्योंकि ये कोर्ट में होती है और वो कोर्ट में नहीं होती है। अभी से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। क्राइम हुआ, क्राइम होने के तुरंत बाद एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किस लिए करी, ताकि वो एविडेंसेस को इकट्ठा कर पाए। एविडेंसेस इकट्ठा कर लेने के बाद पुलिस ने जब अपनी रिपोर्ट कोर्ट में भेजी तो कोर्ट एक इंक्वायरी बैठाएगी और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सही से चेक करेगी और ये तय करेगी कि आगे केस को बढ़ाना है कि नहीं। कोर्ट ने जैसे ही तय किया कि हाँ ये मैटर हमारे कोर्ट में चलेगा, वो चार्जेस को बनाएगी और चार्ज बनते ही इंक्वायरी खत्म और ट्रायल शुरू। यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल के बीच का फर्क है चार्ज, और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच का फर्क है पुलिस की रिपोर्ट, जो कि जैसे ही कोर्ट में आएगी तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक केस है जहां पे इंक्वायरी जो है पुलिस भी कर सकती है, और वो नॉर्मल इंक्वायरी नहीं, वो होती है प्रेलिमिनरी इंक्वायरी, जो कि कौन से केस में बताया गया था, ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी, नवंबर 12, 2013 का यह केस है। यह केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा यह कहा गया था, न्यायालय ने ये कहा था कि पुलिस को ये पावर है कि वो एक प्रेलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। पुलिस हर केस में नहीं, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और स्पेशली इन 5 केसेस में वो क्या कर सकती है, एक प्रेलिमिनरी इंक्वायरी करेगी किसी भी केस को रजिस्टर करने के पहले। और ये कौन कौन से हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट यानी कि घर परिवार शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट यानी कि कमर्शियल ऑफेंसेस जो कंपनीज वगैरह से लेके ऑफेंसेस होते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस अभी कई लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि नई वाली आईपीसी में इसको हटा दिया गया है, करप्शन के केसेस जहां पे कोई करप्शन के चार्जेस लगे हो, केसेस वेयर देयर इज एबनॉर्मल डिले, जहां पे एबनॉर्मल डिले हो मतलब कि कायदे से उस इंसान के पास सारे मौके थे कि वो 2 महीने के अंदर आके केस कर देता, लेकिन उस इंसान ने 2 साल बाद आके केस किया, तो उस केस में पुलिस के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एक प्रेलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है किसी भी केस को रजिस्टर या इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। यही कुछ केसेस है जहां पे एक पुलिस प्रेलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, और वो भी इंक्वायरी नहीं, प्रेलिमिनरी इंक्वायरी का नाम दिया गया उसको, वरना हर अदर केस में सीआरपीसी में इंक्वायरी केवल एक कोर्ट ही करता है, और ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।